नमस्कार, मैं हूँ खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आम जो कि फलों का राजा है वो बिकना शुरू हो गया है। आम सबका पसंदीदा फल है। खाने के बाद आम होता है, खाने के साथ आमरस होता है। इस तरह से आम जो है इन गर्मियों के सीजन में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हमारे इंडिया में कई तरह के आम आते हैं और कहते हैं कि केसर और हापुस आम या अल्फांजो सबसे महंगे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे आम की। इस आम के 1 किलो वजन के लिए आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले तो ये आम सिर्फ जापान में मिलते थे और वहीं से इम्पोर्ट करवाने पड़ते थे, लेकिन अब इन आमों की खेती इंडिया में भी होने लगी है। हालांकि ये खेती तभी की जाती है जब इस तरह के आम के लिए एडवांस ऑर्डर्स मिल जाए और ख़रीदार मिल जाए, तो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये खेती की जाती है। कौन सा है ये आम और कहां हो रही है इंडिया में इस आम की खेती, चलिए जानते हैं। इस आम को सूरज का अंडा कहा जाता है क्योंकि ये आम सूरज की रोशनी में पकता है। इस आम की क्वालिटी ये है कि ये आधा पीला और आधा लाल होता है और इसमें अनानास और हल्का सा नारियल का भी टेस्ट आता है। सर्दी और गर्मी के बीच के मौसम में इस आम को तैयार किया जाता है। ये आम बेसिकली जापान में उगाया जाता है और जापान में भी इस आम की बोली बहुत भारी कीमतों में लगती है। जापान में तो इस तरह के आमों को गिफ्ट किया जाता है क्योंकि इस आम को सूरज का अंडा कहा जाता है, सूरज की रोशनी से ये पकता है, इसीलिए इस आम को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, ये मानते हुए कि जिसके पास ये आम जा रहा है उसकी किस्मत भी सूरज की रोशनी की तरह ही चमकेगी। जापान से कई लोग पहले इम्पोर्ट करवा कर इस आम को मंगवाया करते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस आम की स्पेशल खेती शुरू कर दी गई है। इस आम की प्रजाति को ताइयो नो तमागो के नाम से जाना जाता है और इसे एग ऑफ सन के रूप में भी जाना जाता है। 2017 में इस आम के एक जोड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा लगी थी। ऐसे में कह सकते हैं कि 1 किलो आम के लिए 3 लाख रुपए देने होंगे और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग इस तरह के आम के ऑर्डर देते हैं। जबलपुर में इस आम की खेती शुरू हो चुकी है और ये फल लगने शुरू हो चुके हैं। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।